नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बनारस से आस्था के रंग की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, जहां पर विकास कार्यों की जनता को सौगात दी। विकास कार्यों के साथ उन्होंने बनारस से काशी की धरती से विपक्ष को किसान आंदोलन पर संदेश भी दिया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा यात्रा कर रहे हैं, क्रूज से घाटों पर जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के इस दौरान दर्शन भी किए गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जगमग काशी की। हर तरफ अगर आप काशी में नजर दौड़ाएंगे तो आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। ये सकारात्मक रोशनी इस समय काशी में हर तरफ नजर आ रही है। भव्य गंगा आरती तस्वीर आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही भव्य आरती संपन्न हुई है। आज विशेष आयोजन किया गया। घाट पर मृदंग, ढोल की आवाज और इसी मनमोहक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही साथ 135 देशों में इसका लाइव प्रसारण भी हुआ। लेजर शो, किस तरीके से भगवान शिव का नृत्य दिखाया गया है लेजर शो के जरिए, वो भी आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली की शुरुआत हुई है। और अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और दीपदान की भी एक परंपरा है, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। इस समय लेजर लाइट और लाइट और साउंड शो किस तरीके से आयोजित किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये भव्य लेजर शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइट और साउंड शो है ये। किस तरीके से भगवान शिव का तांडव नृत्य है, उनकी महिमा है, उसको आप समझिए, देखिए, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में जो क्रूज की सवारी कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। और अभी इसके तुरंत बाद लाइट और साउंड शो का आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें भी शामिल होंगे। बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में मोदी योगी जो यात्रा कर रहे हैं, मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहां पर अभी जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा, पहले जो दीप प्रज्वलित किया था उसके बाद अब थोड़ी देर में सारनाथ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसके पहले संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और थोड़ी ही देर बाद सारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं क्रूज के जरिए। यह क्रूज का कारवां आगे बढ़ता हुआ काशी में, और अभी लेजर शो भी हो रहा है। 447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशीवासी के मन में अपने सुशील नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव, काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आज आत्मनिर्भर अभियान के साथ चलकर देश लोकल के लिए वोकल भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर याद रखते हो कि भूल जाते हो मेरे जाने के बाद? मैं बोलूंगा वोकल फॉर, आप बोलिए लोकल। बोलेंगे वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। इस बार के पर्व, इस बार की दिवाली जैसे मनाई गई, जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल गिफ्ट के साथ अपने त्योहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी की धरती से जो संदेश दिया है वो भी आप समझ लीजिए। काशी की धरती से बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही, चाहे वो उन्होंने ये बताया हो कि बनारस में आकर कैसा वो महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मन ऊर्जावान हो जाता है और ये 23वां दौरा है उनका, कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है। इस बात का संदेश भी उन्होंने काशी की धरती से दिया और कहा कि काशी की शक्ति भक्ति को कोई नहीं बदल सकता, यह हमेशा निरंतर उसी तरह से जारी रहेगी। काशी पहले की तरह जीवंत है और आगे भी रहेगी। काशी की गलियां पहले की तरह ही ऊर्जावान हैं, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं और जब कहते हैं कि वहां पर जो पौराणिकता है काशी की वो बनी रहे, उसी हिसाब से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लंबा अनुभव है उन्हें पत्रकारिता में, के विक्रम राव साहब भी जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझेंगे जो इस समय आयोजन हो रहा है देव दीपावली का, ये विशेष आयोजन। के विक्रम राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस आयोजन के बाद काशी की धरती से बहुत अहम संदेश भी दिया है मुख्यमंत्री ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिजली कट गया। जी जी, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं। मनमोहक दृश्य तो हम देख ही रहे हैं के विक्रम राव साहब, लेकिन आज जिस तरीके से संदेश यहां से दिया है मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने, उस संदेश में एक बात तो साफ है कि काशी से ही विकास की जो पूरे देश भर में बात की जा रही है उसी पर बीजेपी काम कर रही है, यह संदेश देने की कोशिश की गई आज भी। नहीं, इसमें सफल तो खैर हुए ही है प्रधानमंत्री मोदी कि देश को उन्होंने एक ऐलानी तौर पर बताया कि विकास की गति को तेज करना है। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूंगा, रविदास की मूर्ति पर माला पहनाना, गंगा में घूमना देखना, देव दीपावली में शामिल होना और फिर अब सारनाथ में जाकर लाइव देखना, ये तीनों चीजें साधारण बातें नहीं है, ये तीनों बड़े सांकेतिक और संदेश वाक है। रैदास एक उपेक्षित दलित वर्ग के प्रतिनिधि है, प्रतीक है। गंगा उन तमाम हिंदू आस्थाओं की प्रतीक है।
और गौतम बुद्ध के स्थान पर जाना सारनाथ, ये अपने ढंग से अलग धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। तो तीनों बातों को प्रधानमंत्री ने एक साथ लपेट लिया, समेट लिया और पेश किया है। तो राजनैतिक रूप से देखा जाए, अंततः एक राजनेता जाता है तो पलक गिराता है तो भी वो राजनीति है, वो बिना राजनीति कर ही नहीं सकता। तो ये तीनों बातों को एक साथ समेट कर प्रधानमंत्री ने एक दूसरी बात भी कह दी है। और इसके अलावा अपने भाषण में जो उन्होंने जिक्र किया था कि सीमा पर आक्रमण की तैयारी और देश के अंदर तोड़फोड़ की साजिश, ये संकेत स्पष्ट है। उन्होंने कोशिश की बताने की कि आंतरिक शत्रु और वायु शत्रु, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो देश पर हमला बड़ा गंभीर होगा। तो एक तरह से अपने राजनीतिक मकसद भी प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया, देश की जनता को आगाह कर दिया कि देश की एकता को खंडित करने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ भी जन भावना आए और जनमानस बने और जनशक्ति का इस्तेमाल हो। बिल्कुल के विक्रम राव साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरे सहयोगी दशाश्वमेध घाट से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राम, और वहां से जो संदेश आज राम दिया है उसके तो बहुत सारे पहलू हैं, उनको भी हम समझेंगे, लेकिन आपके पास आ रहे हैं यहां से संदेश बहुत कुछ दिया गया है देव दीपावली से, चाहे वो विकास की बात हो या फिर रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करना हो या फिर सारनाथ जाना हो, बहुत अहम है राम ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और के विक्रम राव साहब ने बहुत दुनिया देखी है, बहुत राजनीति देखी है, उन्होंने एक तरह से पूरा सार समझा दिया नरेंद्र मोदी के दौरे को, दौरे का जो सार है वो समझा दिया। सारनाथ में ये दौरा खत्म हो रहा है, शुरुआत कहाँ पे हुआ था, जहाँ पर हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है, 73 किलोमीटर का रोड 2447 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का हो गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से ये संदेश दे रहे हैं कि विस्तार, विकास और खास तौर से सड़कें जो हैं वो विकास का पैमाना है, और इनसे बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं। वहीं से वो किसान पे आए थे कि जब ये खुलेंगे तो वेयर हाउस खुलेंगे और किसान सक्षम बनेगा। यानी प्रधानमंत्री विकास की भी बात करते हैं और देश के किसान को भी ये संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जिसके वो प्रधानमंत्री हैं, और इस सरकार में किसान का हित सर्वोपरि है, ये बताने की कोशिश। और दूसरी बात जो कह रहे थे कि के विक्रम राव साहब, बहुत अहम है, ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज था नरेंद्र मोदी का जो दौरा था। वहाँ से जब वो निकले तो उन्होंने सबसे पहले जो काशी की मुख्य पहचान है, नब्ज है, वहाँ पर गए, गंगा के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर वापस आए और फिर संस्कृति की तरफ उन्होंने अपनी रवानगी की, राजघाट पर पहुंचे और जो देव दीपावली का उत्सव है उसमें शरीक हुए। पहला जो भाषण था जो 3 बजे का था वो एक पॉलिटिकल, एक प्रधानमंत्री इन सब के आसपास का था। इसके बाद जो है वो एक तरह से काशी का सांसद, और उसके साथ आप जोड़िए एक व्यक्ति जिसे संस्कृति की बहुत चिंता है, वो आपने उस भाषण में सुना होगा। और इसके बाद वो सारे घाटों का अवलोकन करते हुए, भगवान शिव की जो महिमा है उसका लेजर शो देखते हुए सीधे पहुंचे संत रविदास जी के पार्क में, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण करके ये भी संदेश दिया कि रविदास जी अगर वैचारिक समता की बात करते हैं, हर एक पहलू को राम हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास लौट भी रहा हूँ, इसलिए हम राम ये भी कह रहे हैं कि ये जो दिव्य दीपावली है ये विकास वाली है, जहां पर संस्कृति भी है, सियासत की बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है। और राम, मैं आपके पास लौट रहा हूं, फिर हम वापस के विक्रम राव साहब के पास जाएंगे। जैसा रविदास जी पर, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और यहां से एक संदेश देने की कोशिश की, इसके साथ साथ जो विरासत है काशी की, जो पौराणिकता है, भाषण में उसका भी जिक्र था कि अगर यहां की गलियों की हम बात करेंगे, जो जिक्र किया गया है पौराणिक काल में, उसका महत्व उसी प्रकार से रहेगा जो आज बना हुआ है, चाहे वहां पर विकास कॉरिडोर बने, उनका चौड़ीकरण हो जाए, लेकिन वो परंपरागत दृष्टि से उतनी ही खास रहेंगे। कोई भी चीज जब मृदुल हम उसको विस्तार देते हैं, विकास देते हैं, तो पुरानी रूढ़ियां जो है वो कहीं ना कहीं अटकती हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि पुरानी हर परंपरा को आप रूढ़ी मान लें,
कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें जीने में हमें मजा आता है और संस्कृति का जो प्रवाह है जैसी गंगा अविरल है वैसी ही बहती रहे, यह प्रधानमंत्री की हमेशा से एक इच्छा है। काशी के वासियों को तो ऐसा कहा जाता है कि मस्त मौला है, जहाँ उनका मन करता है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। पान बनारस का बहुत प्रसिद्ध है और लोग तो पहले यहाँ पर ये भी करते थे कि पान खाते थे, जहाँ मन करता था थूक देते थे। तो ऐसे लोगों को स्वच्छता का संदेश देना, उन्हें समझाना और फिर उन लोगों का मान जाना, ये सारी चीज़ें अगर एक सांसद के कहने से, अगर एक प्रधानमंत्री के कहने से हो रही हैं, तो यानी जनता उनकी बात को अगर बात अच्छी है तो बहुत अच्छी तरह से लेती है और फिर उसी तरह से आगे काम भी करती है। अब जो संस्कृति की बात है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव को इस तरह से मनाना है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा अयोध्या में हुआ है उससे बेहतर हमें देव दीपावली काशी में मनानी है, तो लोग फिर उसमें जुड़ते हैं, चाहे वो घाटों पर लोगों की मौजूदगी हो कोविड के खतरे के बावजूद या फिर उनके घरों पर जिस तरह से देव दीपावली मनाई जा रही है। ये संस्कृति का एक तरह से प्रवाह है और उसका प्रवाह आगे बढ़ रहा है। अब नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो संत रविदास पार्क से उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सारनाथ की तरफ बढ़ रहा है और संस्कृति देखिए किस तरह से आगे बढ़ती है कि आप एक तरफ जो हिंदू मान्यताएं हैं कि देवता धरती पर उतरेंगे, इसे कई लोग कल्पना कहते हैं या ये कहते हैं कि एक तरह से ये कही हुई बातें हैं, तो अगर उसे आप पूर्ण रूप से मान रहे हैं तो इसके बाद आप गौतम बुद्ध की शरण में भी जा रहे हैं, उनके जो संदेश हैं उस पर जो लेजर लाइट एंड साउंड शो है उसको सुन रहे हैं और हर चीज संदेश देती है जो के विक्रम। बिल्कुल राम, मैं उसी चीज का जिक्र करना चाहूंगा जिस विरासत का और संस्कृति का आपने जिक्र किया, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री के भाषण को देखें, के विक्रम राव साहब आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूं, भाषण में बहुत कुछ प्रधानमंत्री कह जाते हैं और ये उनका तरीका भी है, ये उनका अंदाज भी है। यहां उन्होंने विरासत की बात की, संस्कृति की बात की और फिर इसी विरासत को उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए भी कहा कि हमारे लिए तो विरासत जो है वो हमारी संस्कृति है, लेकिन किसी के लिए विरासत कुछ और होती है। जी, नरेंद्र दामोदरस मोदी की यही तो आदा है। मैं इनको गुजरात के समय से जानता हूँ, करीब 25 साल तो हो ही गए। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति हो, समाज शास्त्र हो, भारत की विरासत हो, अर्थशास्त्र हो, अपने दुश्मनों पर हमला करना हो, ये सारी चीजों को बड़े समग्र ढंग से, समन्वय तरीके से ये पेश करते आए। अब जैसे आप देखिए, इन्होंने काशी विश्वनाथ की भी की बड़ी चर्चा उतरी इतिहास में, खासकर जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे यहाँ करीब आजादी के तुरंत बाद, तब गंगा घाट पे राजेंद्र प्रसाद ने सफाई की, ब्राह्मणों के पुरोहितों के चरण धोए और उस पानी से स्नान किया, तो बड़ी आलोचना हुई कि भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है और ऐसी दखियानूसी बात करेगा, नहाएगा वगैरह। तो इससे बात साफ हो गई थी, उसका जवाब दिया था बाबू संपूर्णानंद ने, जो मुख्यमंत्री भी थे, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, उनका ये भारत की संस्कृति है, यहाँ जाके कोई आदमी करेगा अपने धर्म को नहीं भूलेगा वो। तो राजेंद्र प्रसाद की परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री ने उसी राष्ट्रपति के तरीके से ये दिखा दिया कि सेकुलर इंडिया एक है, पंथनिरपेक्ष भारत एक है, धर्म प्रधान होना भी बुरी बात नहीं है और भारत की विरासत और संस्कृति का भी उसे समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक समग्रता की दृष्टि से आज नरेंद्र मोदी ने, मैं तो अगर कहूँ मृदुल एक सेंटेंस में, अगर मुझे हेडिंग देनी पड़ती अपने अंग्रेजी अखबार में, तो मैं कहता मोदी मास्टर स्ट्रोक। क्या ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है और इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है, चाहे पौराणिकता की बात हो, विरासत की बात हो, परंपरा की बात हो, संस्कृति की बात हो या विकास की बात हो, मुख्यमंत्री के भाषण में भी इसका जिक्र किया गया है। मेरे सहयोगी राम इस वक्त काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दशाश्वमेध घाट से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में और संत बालक दास भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। मैं सबसे पहले बालक दास जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देव दीपावली की महत्ता को हम सुबह से जान रहे हैं, उसका कितना महत्व है ये समझ रहे हैं, लेकिन इस बार की देव दीपावली कितनी खास है आपके लिहाज से, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो जो देव दीपावली है वो काशी का एक मेन बड़ा त्योहार माना जाने लगा है, और आज काशी का यह देव दीपावली पूरे विश्व में इसको बड़े ढंग से मनाने जाने लगा है। कहने का तात्पर्य इसको देव दीपावली कहा जाता है, और काशी जो नगरी है वो तीनों लोकों से अलग है। यहाँ पर जो वासी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो देवतुल्य हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर देव दीपावली मनाई जाती है। जैसा कि राम जी लंका विजय प्राप्त करके आए थे और दीपावली का माहौल हुआ था, उसके 15 दिन के बाद, क्योंकि इतनी भीड़ थी देवता नहीं आ पाए, और बाद में 15 दिन के बाद देवता काशी में आकर के और बड़ी देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। उसी परंपरा को काशी वासियों ने बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य मैया गंगा के तट पर, और क्योंकि ये उत्तर वाहिनी मैया गंगा है, और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि काशी की जो महिमा है वो तीनों लोकों से अलग है, क्योंकि यह काशी प्रलय काल में भी इसका विलोप नहीं होता है। ऐसी दृष्टि पर यह त्रिशूल में बसी हुई बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी, आज यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा कि आज सोमवार है, बाबा विश्वनाथ जी का दिन है और गंगा जी का तट है, इसके बाद यह पूर्णमासी है कार्तिक की, यह इतना संयोग बहुत खास बनाता है आज के दिन को, और उतना ही खास हो जाता है जब आज काशी को बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात मिलती है, सड़कों की सौगात मिलती है। मैं राम आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के भाषण का भी जिक्र करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। मुख्यमंत्री कहते हैं 500 सालों से जो समस्या उलझी हुई थी उसे प्रधानमंत्री ने सुलझा दिया है। पहले गंगा में डुबकी लगाने के लिए स्नान करने से पहले सोचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्थिति सुधर गई है। यानी वहां पर भी विकास का संदेश, विकास की ही बात। बिल्कुल, बहुत सारे संदेश कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों में निहित होते हैं, और कुशल राजनीतिज्ञ वही है जो कहे कुछ और उसका अर्थ जो वो समझाना चाह रहा है वो जनता तक पहुंच जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जिस वाक्य को अभी आपने कहा, अगर वो ये कहते हैं तो वो ये संदेश भी दे देते हैं कि जो वादा उनकी पार्टी का था कि वो सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो फिर 500 वर्ष पुरानी समस्या भी समाप्त होगी और गंगा भी अविरल होंगी, निर्मल होंगी। इसके साथ साथ जो के विक्रम राव साहब कुछ देर पहले कह रहे थे, उन्होंने जिक्र किया मृदुल पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का, और उस जिक्र में उन्होंने कहा कि वो अपनी संस्कृति को मानते हुए उन्होंने जो है ब्राह्मणों के, पंडितों के पैर धोए। नरेंद्र मोदी राजनीतिक कौशल में किसी दूसरे नेता से कहीं अलग ठहरते हैं। आपको प्रयागराज के कुंभ की तस्वीरें याद होंगी, उन्होंने भी पैर धोए, लेकिन किन के पैर धोए? जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उनके पैर धोए। तो ये थोड़ा सा जो अंतर है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी का या उनके व्यक्तित्व का, वो उन्हें कहीं अलग ठहराता है। और हर चीज़ एक अपने पीछे संदेश लेकर चलती है। कोई भी जब बड़ा व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जब कोई चीज़ करता है तो उसके जो निहित अर्थ हैं वो भी उसके साथ साथ चलते हैं। और यही वजह है कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के भाषण को, उद्बोधन को, वो जहाँ काशी विश्वनाथ का जयकारा लगाते हैं, वो काशी के कोतवाल मां अन्नपूर्णा का जयकारा लगाते हैं, ठीक उसी वक्त वो जो बोले सोनेहाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और प्रकाश, इसके साथ साथ गुरु पर्व भी है। बात है, वो यहाँ से रविदास जी के पार्क पर जाते हैं, वो फिर उसके बाद सारनाथ जाते हैं, तो फिर छूटा क्या है? कुछ नहीं छूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चीजों को बताना चाह रहे थे काशी आकर, विकास की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आपसी मेलजोल की बात करते हैं, और आखिर में जो भारत का ध्येय वाक्य है, जो पूरे विश्व में भारत से संदेश जाता है, वो शांति का जाता है। बिल्कुल, वो सारनाथ जाकर उस संदेश को बिल्कुल, चाहे बुद्ध के उपदेश की भूमि हो, बिल्कुल राम आप ठीक कह रहे हैं कि बचा क्या है। तो फिर अगर संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना हो, या जो बोले सोनिहाल का नारा लगाना हो, गुरु को याद करना हो, और बुद्ध की उपदेश की भूमि पर जाकर वहां पर भी एक संदेश देने की कोशिश है, यानी काशी का भौतिक आध्यात्मिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हर एक संदेश इस दौरे में छिपा हुआ है के विक्रम राव साहब, और राम तो करीब से देख पा रहे हैं उस संदेश को और समझ भी पा रहे हैं। राम ने जो वर्णन किया है बहुत ही सुंदर, क्षमता के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, अभिव्यक्ति की शैली के हिसाब से, एक हर पहलू को, हर आयाम को उन्हें कवर कर लिया अपने बात में। यहाँ आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था विकास
विरासत और संदेश शब्द आपने इस्तेमाल किया। अब ये देखिए क्या पता नहीं किसकी कोई रही होगी योजना, ये हो सकता मुख्यमंत्री की रही हो, 135 देशों में आज बनारस दिखाया जा रहा है। 135 देशों में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, केवल गंगा तट पर नहीं, सारनाथ पर नहीं, जहां भारतीय जहां विदेशी जो भी रह रहे हो, सबके एक दिव्य अलौकिक अविश्वसनीय छवि दिखाई दे रही है काशी की। इस पहलू पर भी हम लोग को गौर करना होगा। बिल्कुल, ये युगों में एक अद्भुत घटना हुई है। और जो बिल्कुल, ये वाकई 135 देशों में इसका प्रसारण हो रहा है और मुख्यमंत्री की पहल पर ही ये किया जा रहा है। अब हम जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो देव दीपावली को खास बनाते हैं, जो पौराणिक पहलू हैं, उसे भी समझेंगे। बालक दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। बालक दास जी, दीपदान की भी आज परंपरा है और प्रधानमंत्री ने यहां पर दीपदान भी किया, लेकिन दीपदान के साथ ही उन्होंने एक और बात कही है। जब उनके भाषण को हम देखते हैं तो आध्यात्मिक और पौराणिकता का जिक्र तो है ही, लेकिन जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो ये भी कहा कि जो काशी की छटा है वो उसी प्रकार की रहनी चाहिए। और पौराणिक लिहाज से कितनी अहम हो जाती है ये बात? बालकदास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा बालकदास जी के पास जाने की। मैं राम का रुख करता हूं, क्योंकि राम सुबह से ही इस और तीन दिन से लगभग राम आप वहां पर हैं और हर एक चीज को देख रहे हैं, साक्षात आप समझ भी रहे हैं। अब हम उस बात पर आ जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं विकास कार्यों का। राम, विकास के साथ साथ दीपदान तो करते ही हैं, लेकिन एक और संदेश, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार किसान आंदोलन को लेकर निशाना साध रहा है, लेकिन आज काशी की धरती से उन्होंने यहीं से संदेश दे दिया कि हम किसानों को लेकर गंगा जल से जो पवित्र नियत होती है वैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मृदुल, आपने विकास की बात की, एक छोटी सी आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा कैमरा थोड़ा सा पैन करें और इंडिया गेट के थोड़ा सा उस तरफ लेकर जाएं। यहां पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है और हम कोशिश ये करेंगे कि चूंकि थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो रात में तकरीबन 8:30 बजे से ज्यादा का वक्त है और अभी भी बोट्स चल रही हैं यहाँ पे। बोट्स खाली नहीं चल रही हैं, बोट्स भरी हुई हैं। अगर इन नावों में जो यहाँ के चाहे तो स्थानीय निवासी हों या बाहर से आए हुए पर्यटक हैं, वो अभी अगर बैठकर नौका विहार कर रहे हैं तो उस नाविक के घर की एक तरह से आमदनी है, वो उसका एक तरह से रोजी रोटी है। और ये बताता है कि गंगा में परिवर्तन क्या हुआ। हम देख रहे हैं कि काशी के घाट के दूसरी तरफ जो दीप प्रज्वलित किए गए हैं उसकी तस्वीर एक जो है घाट के दूसरी तरफ भी हम इस वक्त आपको दिखा सकते हैं। तो ये लाखों जो दीप हैं वो इस वक्त गंगा के घाट के दूसरी तरफ हैं। अब ये देखिए कि लोग कहेंगे कि इतनी दूर तक दिए जलाने का क्या फ़ायदा। वो जलाने का फायदा यह है कि एक व्यक्ति कम से कम आधे घंटे नौका भ्रमण करके उस कोने तक देख कर आ रहा है, उस कोने पे कि क्या हो रहा है। तो ये मॉडल है। और देखिए प्रधानमंत्री बड़े क्रूज से गए हैं, कुछ छोटे छोटे क्रूज भी हैं जिन पर सवार होकर जो स्थानीय लोग हैं, सिर्फ छोटी नौकाएं नहीं हैं, तो हर स्तर के जो नाविक हैं जो यहाँ पर जिनकी आजीविका जुड़ी हुई है गंगा के साथ, यही प्रधानमंत्री कहते हैं अपने जब उन्होंने शुरुआत में जब वो बनारस आए और बतौर एक कैंडिडेट, सांसद नहीं बने तब, बनारस से कैंडिडेट जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने यही रखा था कि उनका विज़न क्या है। और वो विज़न अगर इस नदी में, इस गंगा में अगर परवान चढ़ रहा है, वो हमारे सामने है, हम उसे देख पा रहे हैं कि रात में भी लोग भ्रमण कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों से हमने पूछा, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ अभी देव दीपावली की बात नहीं है, ये पर्व है, उत्सव है, तो जाहिर है कि लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन अमूमन जो लोग आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इन घाटों के विषय में लोग ये बताते हैं कि पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर हुए हैं, पक्के भी हुए हैं और साफ सुथरे भी रहे हैं, लोगों में भी आदत सुधर रही है और जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी हद तक
दुरुस्त हुई हैं, और यही वजह है कि जो आप कहते हैं विकास की बात, एक छोटी छोटी चीजें जब साथ में जुड़ती हैं तब बड़ी बात बनती है। और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बिल्कुल, और संस्कृति पुरानी रहनी चाहिए। ये जो तस्वीरें हैं राम, जो आपने हम तक पहुंचाई, विकास की बात के साथ साथ लोगों की आमदनी भी हो रही है, जब इतना आयोजन किया गया है तो उसके पीछे के कई कारण होते हैं, चाहे दीप बनना हो या फिर उनका जलना हो या फिर वहां तक भ्रमण करना हो, तो सभी चीज बहुत अहम हो जाती है। इस बीच सारनाथ की भी तस्वीर आ रही है राम, आप और मैं तो हर चीज का जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन सारनाथ की एक तस्वीर और दर्शकों को बताते हैं, फिर हम बालक दास जी के पास जाएंगे। सारनाथ की ये वो भूमि है जब ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, तो उन्होंने प्रथम उपदेश यानी पहला उपदेश यही दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम इसे दिया जाता है, और यहीं से बहुत सारे संदेश भगवान बुद्ध ने दिए, तो आज का ये आयोजन भी बहुत सारे संदेश दे रहा है। बालकदास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब ये तस्वीर जब हम सारनाथ की देख रहे हैं, काशी की देख रहे हैं, देव दीपावली का महत्व आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए बराबर महत्व रखती है, लेकिन दीपदान का कितना महत्व है, उसका क्या लाभ मिल सकता है, कितना लाभ मिलता है, आपसे जानना चाहेंगे। बालकदास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार फिर मैं सारनाथ की तस्वीर दिखाता हूं, फिर बालकदास जी के पास जाएंगे। और सारनाथ की ये जो भूमि है, यहां का जिक्र किस तरीके से किया गया है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। सारनाथ कितना अहम हो जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। सारनाथ को जैन धर्म और हिंदू धर्म में काफी महत्व प्राप्त है, और जैसा राम आपने कहा कि कुछ छूटा नहीं है, तो सारनाथ जाने के बाद यह साफ हो गया है कि हर एक पहलू को छूने की कोशिश इस दौरे में की गई है। और मैं के विक्रम राव साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब लगातार एक बात को लेकर निशाना साधा जाता है सियासत में, ऐसा नहीं होता है, हमेशा हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर आ जाता है जिसमें जात पात धर्म संप्रदाय सब कुछ देखा जाता है। के विक्रम राव साहब, थोड़ी देर में सारनाथ पहुंचने वाले हैं, सारनाथ की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन आज का जो संदेश है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर भी दिया, विपक्ष को भी दिया, ये कितना महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है? ये तो बड़ा सीधा और सरल है। दिल्ली में जो चीजें हो रही है, अब दिल्ली जाने वाले सारे रास्तों को बंद करने की जो कोशिश हुई, जो ऐलान हुआ है, उससे क्या होगा, दिल्ली आइसोलेट हो जाएगी सारे राज्यों से, जयपुर से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, यूपी से, सारे रास्ते अगर बंद कर देंगे लोग, इनका मकसद क्या है? ये आर्थिक नहीं है, ये राजनैतिक सियासती मकसद है। तो प्रधानमंत्री का जो चर्चा हुई है, संकेत हुआ है, इशारा किया है, वो सावधान करने के लिए कि के भारत के राजधानी पर हमला हो जाएगा, ये कोई आर्थिक मांग मनवाने के लिए नहीं है। तो ये स्पष्ट करते प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दे दी है, एक जगह बताई थी मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अगर वहां नहीं मिलते हैं और केवल दिल्ली को परेशान करने की कोशिश की है, अभी दिल्ली में भी 1-1.25 करोड़ लोग रहते हैं, उनके जीवन का क्या होगा? तो बहुत ही सही संतुलित ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, टिप्पणी करना चाहूंगा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए थे 6 साल पहले, उन्होंने एक वाक्य कहा था, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, माँ ने बुलाया है और मैं आया हूं। और तब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी कि आप काशी में क्या परिवर्तन करेंगे। तो 1952 से लोकसभा के पहले चुनाव लेके 13-14 सांसद रहे हैं बनारस से, पंडित कमलापति त्रिपाठी भी रहे हैं, किसने क्या रूप बदला, इतना विकृत गंदा था काशी, किसने सुधारा? तो आज कम से कम न केवल लटकती तारों को हटा दिया, बल्कि काशी सारनाथ तक जो नया रूप दिया है, ये नरेंद्र मोदी ने, सांसद ने, और खासकर जो काशी विश्वनाथ के गलियारे को बनाया है, बड़ी आलोचना भी थी, बड़ा हमला हो रहा था, काशी तो गलियों का शहर है, गलियां खत्म हो जाएगी, काशी का मूल रूप खत्म हो जाएगा, एक भयंकर विद्रोह पैदा हो जाएगा। लेकिन आज उसके बनने के बाद काशी मंदिर के गलियारे के बाद एक नया लावण्य,
एक नया सौंदर्य एक रूप निखर के आया है और सारे यात्री लोग जो जाते हैं तीर्थ यात्री खासकर विंध्याचल के दक्षिण पर जाने वाले मृदुल सब कितने प्रमुदित और प्रफुल्लित होते हैं। हाँ एक स्पिरिचुअल ये मनमोहक दृश्य है ये काशी का ये बरकरार है बिल्कुल के विक्रम राव साहब इस दौरे से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है साफ हो जाती है आपने उन पर प्रकाश डाला बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए।